स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई हॉबीज गार्डनिंग में। ये देखिए विंटर्स के फ्लावरिंग हैं, इन पर भी बहुत धूल है दोस्तों, और मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पेंजी के प्लांट। पेंजी के प्लांट हमारे पास थे नहीं, ये मैंने छोटी वाली पेंजी ली है, 8-10 दिन हो गए हैं, तब ये बहुत छोटी छोटी थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये सर्वाइव होगी कि नहीं होगी, बहुत छोटी सी थी, पर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो पेंजी ही नहीं है और पेंजी मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये छोटी वाली इन छोटे छोटे प्लांटर्स के लिए ले ली कि हैंग करेंगे। तो देखने में ये देखिए बटरफ्लाई का लुक आता है क्योंकि ये छोटी है इस वजह से, तो इसलिए मैंने ले ली। और देखिए अब इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है मात्र तो 1 हफ्ते में ही। आप लोगों के साथ में मैं शेयर नहीं कर पाई, फिर मैंने इनको अभी 3-4 दिन हुए हैं मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, और इनमें अच्छे से मैंने खाद दे दी है। ये देखिए गोबर की खाद है, और मैंने 4-4 दाने इनमें DAP के भी डाल दिए थे क्योंकि सीजनल प्लांट है, इनको अच्छे से क्योंकि इनकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप होनी चाहिए थी। रूट्स डेवलप होती हैं तो ये अच्छे से ग्रोथ होती है, इनमें देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। 2 रंग में जो ये होते हैं ना, ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं सिंगल शेड की अपेक्षा, क्योंकि ये देखने में एकदम अलग से दिखते हैं, चमकते हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं, और इनमें मतलब जो मिट्टी तैयार करें वो भुरभुरी तैयार करें और इसे फुल सनलाइट में रखेंगे ना बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही धूप आती है, फिर वो दोपहर तक धूप कंटिन्यूसली रहती है, तो इसलिए इन्होंने अच्छे से ग्रोथ किया। पानी का भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब इनकी मिट्टी सूखे हल्की, मतलब बिल्कुल हमें मिट्टी को सुखाना भी नहीं है और हमें गीला भी नहीं करना है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हैं और कलियां भी तैयार हैं फूल खिलने के लिए। ये 10 दिन में इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है, और ये मैंने बड़े वाले भी पेंजी आ गए थे तो ये भी ले लिए। 15 रुपए का एक पेंजी है, 3 शेड हैं ये अलग अलग। ये देखिए जैसे ये हैं इससे भी छोटे छोटे थे ये वाले जो मैंने लिए थे, ये वाले तो फिर भी ठीक है। हाँ जैसे ये हैं छोटा सा ऐसे थे ये वाले, और इनको भी अभी 2-3 दिन बाद रिपोर्ट मैं करूँगी क्योंकि ये मैंने आज ही लिए हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नया प्लांट लें तो हमें उसको अपने गार्डन में 3-4 दिन से एडजस्ट होने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो शॉक्ड में ना जाए, उसके बाद ही रिपोर्ट करें तो अच्छे से रिपोर्ट होते हैं और वो मतलब ग्रो भी होते हैं। और इसमें नीम खली और फंगीसाइड का यूज़ जरूर करें, अगर फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर ही डाल दें, वो भी यही काम करता है जो काम फंगीसाइड करता है, और इसी तरह से अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं फूलों से। चलिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये प्लांट आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, अच्छे लगे हो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।